नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। आम आदमी के लिए सर्दी में मुसीबतें कम नहीं हो रही तो बड़बोले आजम के लिए सर्दी के साथ साथ न्यायालय भी अपनी तरफ से एक मुसीबत पेश करता जा रहा। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जिरह में न आ पाने के लिए एक सप्ताह का वक्त मांगा तो न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि कल 6 को आपको पेश होना ही होगा। दूसरा मामला आचार संहिता के हेट स्पीच से जुड़ा है, जहां 313 के बयान होने थे। कल इस मामले में गवाह की जिरह होगी और उसके बाद 313 की कार्रवाई। देखना यह होगा कि न्यायालय से कब तक इसी तरह आजम को चोट पर चोट पड़ती रहेगी। सुनवाई थी दो जन प्रमाण पत्र और हेट स्पीच मामले में, क्या फैसला? देखिए, आज एमपीएमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल के न्यायालय में जो है आजम खान से संबंधित तीन मामले लगे थे। एक 4/19 थानागंज की थी, जो डबल जन प्रमाण पत्र से संबंधित था। इसमें PW14 नरेंद्र त्यागी से जीरो होनी थी। नरेंद्र त्यागी गवाह उपस्थित आए थे, लेकिन अधिवक्ता के द्वारा इस आधार पर असमय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आज वो नहीं आ पाएंगे और जो है एक हफ्ते का समय दिया जाए, जिसको अभियोजन हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा जो है उनकी प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए जो है कल की दिनांक नियत की गई और PW15 जो किशन अवतार अगले विवेचक हैं उनकी जिरह के लिए तिथि नियत कर दी गई है। दूसरी फाइल हमारी लगी थी जो भड़काऊ भाषण से संबंधित थी, क्राइम नंबर 130/19 थाना शहजाद नगर की थी। उसमें आज पत्रावली 313 में नियत थी। मोहम्मद आजम खान साहब का बयान अंकित 313 का बयान अंकित होना था, लेकिन उनके अधिवक्ता के द्वारा जो है 311 का एक प्रार्थना पत्र CRPC में दिया गया कि हम PW5 चंद्रपाल की जो जीरा हुई थी उसके बाद हम PW3 विवेचक अमर सिंह की भी हम गवाही करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछने शेष रह गए हैं, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा CRPC प्रावधानों के उल्लिखित संदर्भित रखते हुए जो है 311 का प्रार्थना पत्र उनका स्वीकार किया और कल का तिथि नियत करते हुए PW3 इंस्पेक्टर जो विवेचक थे अमर सिंह उनको तलब किया गया है, 130 कल लगी है। दूसरी फाइल हमारी 215/ लगी थी 19, उसमें जो है गवाह अनिल चौहान आए थे। उसमें अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रमाण पत्र दिया गया कि जो अधिवक्ता हैं विनोद कुमार शर्मा जी उनकी तबीयत खराब है, तो उसको स्थगित करते हुए उसमें 11 तारीख नियत की गई है, 11 जनवरी। ये तीन मामले हमारे यहाँ पे थे। यार 4/19 जो हमारी पत्रावली थी ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रावली है, डबल प्रमाण पत्र संबंधित है। ये बार बार इनके द्वारा जो है जीरा करने में आनाकानी की जा रही थी। हमारा गवाह बार बार आ रहा था, एक बार कभी कर रहे थे, भिन्न भिन्न तिथियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र दिया जा रहा था और पिछले तिथियों में इनके अधिवक्ता द्वारा जीरा किया गया, फिर उसके किया गया, आज अलग ग्राउंड पे प्रार्थना पत्र दिया गया। इसको दृष्टिगत रखते हुए चूँकि ठंडी के मौसम में गवाह मेरा बार बार आ रहा था तो ये लगा कि इनका जो प्रार्थना पत्र है उचित तथ्यों पर नहीं है, विस्मित करने वाले तथ्यों पर, अलग अलग तथ्यों पर बार बार आ रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए PW14 नरेंद्र त्यागी से जो शेष जीरा करने का इनका था उनको माननीय न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है, कल की तिथि नियत है। देखिए, आज एसीजम प्रथम रामपुर के न्यायालय में दो मामले आजम खान से संबंधित लगे हुए थे। एक मामला लगा था दो जन्म प्रमाण पत्र वाला, जिसमें PW14 नरेंद्र त्यागी आए हुए थे, लेकिन उनके अधिवक्ता के द्वारा स्थगन दिया गया और उस स्थगन को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और खारिज करते हुए उनके जिरह का अवसर समाप्त किया गया। जो बचाव पक्ष को जिरह का अवसर था उनको करने के लिए, तो उनका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया है।